प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। पंजाब सरकार ने पूरी व्यवस्था की। दरअसल पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुक जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में भी राजनीति तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के कहे शब्दों को लेकर कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस पूरी घटना को पंजाब में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करने का षड्यंत्र बताया है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री का काफिला उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई बार जाम में फंसा है, इस बार चुनाव सिर पर है, लोगों की सहानुभूति चाहिए तो जान का खतरा बताया जा रहा है। अब सत्ता के लिए प्रधानमंत्री कितना नीचे गिरेंगे? तो आप सड़क मार्ग ले जाने वाले थे तो इसको आप ऑप्शनल क्यों रखे? मुख्य रास्ता उसी को बताते हैं आप तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। यदि मौसम खराब था तो आप सड़क मार्ग से जाएंगे या पहले कर देते तो पूरे पंजाब सरकार पूरे रास्ते पर व्यवस्था करके रखती। और आज सोशल मीडिया में चल रहा है पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, 356 लगाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी में पूरी पीड़ित समाप्त हो गए। जहां सुरक्षा देना था वहीं सुरक्षा नहीं था, और जहां कुछ भी नहीं हुआ वहां बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। जाम में तो आप उत्तर प्रदेश में फंसे, जाम में तो आप दिल्ली में फंसे, दो दो बार, एक एक बार नहीं, तीन तीन बार फंसे, तभी बात नहीं आई। लेकिन आज चूंकि चुनाव सर पे है और आपको लोगों की सहानुभूति चाहिए, तो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इतना नीचे उतर जाएंगे आप?